बच्चों अब आते हैं क्वांटम मॉडल ऑफ एटम पे अस स्टार्ट विद क्वांटम मॉडल ऑफ एटम बच्चों देखो मैंने तुम्हें बताया था कि वेरी स्मॉल पार्टिकल सब पार्टिकल सब ऑटोमिक पार्टिकल्स का मतलब समझ आता है बच्चों जैसे प्रोटॉन हुआ न्यूट्रॉन हुआ इलेक्ट्रॉन हुआ इनके लिए तुम्हारा जो डी रॉगली वेवलेंथ है वो सिग्निफिकेंट आता है नहीं आता है क्योंकि मास बहुत कम है हाँ है ना मैंने तुम्हें बताया भी था इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथट इज सिग्निफिकेंट गॉट द आइडिया को फेंक रहे हो या खुद दौड़ रहे हो तो उसमें जो तुम्हारी वेवलेंथ आएगी दैट विल बी वेरी मतलब वहां पे अगर हम दौड़ रहे हैं या बॉल को फेंक रहे हैं तो उसमें बहुत कम आने वाली है वेवलेंथ जो आएगी हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी दैट विल बी वेरी लेस इलेक्ट्रॉन के लिए इट विल बी सिग्निफिकेंट सब अटोमिक पार्टिकल के लिए इट इज सिग्निफिकेंट तो था क्या सब टमिक पार्टिकल्स के लिए जो ड्यूअल बिहेवियर है ड्यूअल बिहेवियर शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बिहेविंग एज पार्टिकल बिहेविंग एज वेव वे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों दे दे आर आर बिहेविंग बिहेविंग एज एज पार्टिकल एंड वेव बोथ तो इनके लिए जो ड्यूअल बिहेवियर है दैट इज सिग्निफिकेंट उसको हम ये नहीं कह सकते उसके उसका वेव नेचर इग्नोर कर दिया जाए क्लियर है बच्चों गुड तो लोगों ने कहा अगर इलेक्ट्रॉन भाई डी डीपन क्या कहती है इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ वेव और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द एक्चुअल पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों यू कैन नॉट एक्यूरेटली डिटरमिन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना तुम पाथ को एक्यूरेटली डिटरमिन करना चाहोगे उतना तुम्हारा मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ती आएगी मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जो तुम्हारा पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी है ना बच्चों एक एक जो हमारा डीप रॉगली है वो कह रहा है कि तुम्हारा वेवलेंथ है दैट इज सिग्निफिकेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज बिहेविंग एज अ वेव जो मैंने तुम्हें बताया था इस तरीके से और हाइजनबर्ग क्या कह रहा है Eisenberg कह रहा है कि हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक्यूरेटली एट द सेम टाइम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वी कैन नॉट आइडेंटिफाई या एक्यूरेटली कैलकुलेट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल क्लियर है बच्चों तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन पे है एग्जैक्टली exactly, उसके लिए वी नीडेड सम एक्सप्रेशन कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा तो उसके लिए आई हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसके लिए क्या आई

प्लस डेल स्क्वायर साय बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस एट पाई बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साय एज इक्वेशन बना दी इसमें हमारा एक्स वाई जेड क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट्स ओके बच्चों एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है ई इज द टोटल एनर्जी ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साय रिप्रेजेंट एम्प्लीट्यूड ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन वेव इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है गायस तो साय जिसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन साय को क्या बोला जाता है गायस वेव फंक्शन

कई बार श्रॉडिंगर इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है टोटल एनर्जी दिस इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर जिसको बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मिल्टोनियन ऑपरेटर और क्लियर है बच्चों कोई डाउट यहाँ तक एंड इट इज द क्या बेटा एच साइज ये बेटा इसकी बात कर रहे हो बताओ हाँ इसमें क्या 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 डाउट है ये क्या है ये एक इक्वेजन है जिसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम हाँ ये डेल है एक्चुअली डी है डेल है इट इज पार्शल इट इज नॉट डी इट इज डेल ठीक है बच्चों एनीवे वे anyway, यहां तो कोई डाउट एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर जिसको डिनोट किया जाता है टी से एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर मतलब हम कह सकते हैं एच Okay guys, clear है ये उसने एक वेव इक्वेशन बना दी जिसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें तो पता चल जाएगा ने कहा यार ये तो कुछ बना दिया तुमने सिंपलीफाई करो सिंपलीफाइड एंड अस के इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा तो उसने क्या कहा ऑर्बिटल देन केम द कांसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ये मैंने तुम्हें तो बताया था नहीं बताया था ऑर्बिटल इज अ रीजन रीजन या लड़स से वॉल्यूम इन स्पेस वेयर देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ़ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा हैं उस रीजन को क्या बोलते हैं बच्चों ऑर्बिटल समझ में आया नहीं आए जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोटी ज्यादा है वहां पे उस रीजन को क्या बोला जाता है मतलब ऑर्बिट का हो गया खत्म इज नो पाथ no जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है देर इज अ रीजन इन स्पेस वेर इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड यहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है उस रीजन को क्या बोल दिया ऑर्बिटल ज्यादातर ऑर्बिटल में हम क्या कहते हैं जहां पे प्रोटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 90 परसेंट या अब है

मतलब इज नो रीजन वेयर प्रॉवर्टी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हंड्रेड परसेंट ये जो हंड्रेड परसेंट वाला कॉन्सेप्ट था ये तो बोर का था कि एक फिक्स पाथ में घूम रहा है वहीं पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है और कहीं नहीं सकते तो हम रीजन की बात करें यार इस रीजन में कहीं भी हो सकता है हम हमें नहीं पता समझ तो में आया नहीं आया मतलब आर यू गेटिंग दिस और नॉट कि ऑर्बिटल इज अ रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की हाई या प्रॉवर्टीज से नाइनटी ऑर्बिटल में तुम ये नहीं कह सकते यहाँ इलेक्ट्रॉन इज हंड्रेड का मतलब ये हो गया वहीं पे पाया जाएगा। हुआ है नहीं Good. अब आए, तक समझ गया समझ आया नहीं आया बच्चों? अब आते हैं बच्चोंगर इक्वेशन के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों कि इट वाज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों इट वाज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ लेमैन पर्सन तो उसने क्या कहा श्रॉडिंगर इक्वेशन एक चीज और मैं लिख दूं मैं श्रॉडिंगर इक्वेशन, श्रॉडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व नॉट बी एग्जैक्टली सॉल्व फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम एक ऐसा एटम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए इट कैन नॉट बी सॉल्व प्रॉपरली उसको फिर अप्रोक्सीमेट किया जाता है अप्रोक्सीमेट यूज। अप्रोक्सीमेशन इज डन फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ठीक है ना बच्चों क्लियर है काोक्सीमेशन इज डन फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम आंसर जो निकाला जाता है दैट इज अ अप्रोक्सीमेट आंसर ओके okay चीजें नहीं हुई बच्चों गुड तो पहले इसका है, मैं इसके बारे में कुछ बता दू क्वांटम मॉडल में एनर्जी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया जो बोर्ड क्वांटम थ्योरी कहती है क्या कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज मतलब एनर्जी फिक्स है क्वांटाइज का मतलब इट इज फिक्स अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में या पहले एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कुछ और, कुछ, तो एनर्जी कुछ और होगी तो सेकंड शेल में घूम so रहा है लेकिन उस रीजन में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है बच्चा पाथ को तो हमने कह दिया देर इज नो फिक्स पाथ फॉर बट एनर्जी के रेस्पेक्ट में वी आर श्योर एनर्जी इज कॉन्टेक्स पहले शेल में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कुछ होगी सेकंड शेल में घूम रहा है उसकी कुछ और एनर्जी होगी फिक्स्ड होगी जो भी एनर्जी होगी वो फिक्स होगी क्लियर है गाइस कोई डाउट किसी बच्चे को नेक्स्ट तो पहला तो हमारा क्या हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कॉन्टाइज एंड दूसरा तो हमारा एन एग्जैक्ट पोजिशन एंड वेलोसिटी

वेव फंक्शन वेव फंक्शन इंपॉर्टेंट है वेव फंक्शन जो हमारा साय है इट रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल इन एटम इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल इन एटम बच्चों। इन ईच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एज अ फिक्स्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन अ डेफिनेट एनर्जी मैंने बताया था ना एनर्जी फिक्स होती है हाँ है ना बच्चों इन ऑर्बिटल एनर्जी इज़ एक चीज में और बता दू ये भी हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे तो डोंट वरी अबाउट इट एन ऑर्बिटल कैन है एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं

स्पिन ऑपोजिट होगा ये तुम्हें अभी आगे समझ में आएगा व्हाट आई मीन बाय स्पिन क्लियर है एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट टू ऑफ ऑपोजिट स्पिन ओके गुड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट Within atom is directly proportional to psi square. Probability of finding electron in an atom is directly proportional to psi square, where psi was a wave function. इन फैक्ट साइज स्क्टी डेंसिटी फंक्शन प्रोवेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ गैस प्रोबेटी इलेक्ट्रॉनिकल साइज स्क्र और उसको क्या बोलते हैं प्रोवेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहां तक बच्चों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्लियर हुआ बच्चों ये चीज याद करने का ठीक है ना नाइज साइज साय को मैं इसको लिख देता हूं साय को कई बार ये भी बोला था वेव फंक्शन या प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एम्पलिट्यूड ये हम क्या बोलेंगे वेव फंक्शन और साइज स्क्वायर क्या हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक और चीज भी हम आगे पढ़ेंगे कर्व्स इसके दैट विल डिस्कस एट द वेरी एंड ओके बच्चों अब हमें पता चल गया ऑर्बिटल क्या होता है ऑर्बिटल समझ में आ गया इट इज अ रीजन इन स्पेस वेर इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रॉबर्टी मैक्सिमम है मैक्सिमम में हंड्रेड नहीं होगा मैं ये बताना चाह रहा हूँ नाइनटी और अब हमने मान लिया इट इज नॉट गोइंग टू बी एवर क्लियर है गुड ऑर्बिटल को दिखाने का तरीका क्या होता है एक तो हम रीजन बना देते हैं कि से इस रीजन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होगा और कहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबर्टी ज्यादा है वहां पे हम वी वी मेक डॉट्स और जहां पे डॉट ज्यादा होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोर्टी ज्यादा है मोर आर द नंबर ऑफ डॉट्स मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रॉब्लम क्या है बच्चों ज्यादा है समझ आए नहीं आए इस तरीके से हमने बना दिया जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रॉपर्टी ज्यादा है वहां पे डॉट्स विल बी क्लोज टू ईच अदर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों गॉट द आइडिया और नॉट क्लियर हो गई ये चीज मैं लिख देता हूं इंटेंसिटी ऑफ डॉट्स इंटेंसिटी ऑफ डॉट्स का मतलब ये है डॉट्स कितनी क्लोज हैं इट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन रीजन इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन रीजन क्लियर है गाइस समझ गए? ये बात इलेक्ट्रॉन अलग है इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में पे भी पाया जा सकता है। लेकिन हम ये कहेंगे हम ये नहीं कह सकते है, जीरो है कहीं पे प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो जाएगी बट इट विल नॉट बी जीरो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों तो आइडियाज उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं मतलब वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ये जो डॉट्स हैं बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे पाए जाने के चांसेस बहुत कम है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है वहां पे डॉट्स विल बी वेरी क्लोज टू इच अदर ठीक है बच्चा जैसे अगर मैं यहाँ पे डॉट ज्यादा बना देता हूँ तो हम कहेंगे यार इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं क्लियर है गाइस कोई डाउट किसी बच्चे को गुड़ अब आते हैं यहां तक कोई डाउट ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पे पाए जाएगा ऑर्बिटल में पाया जाएगा हाए ना बच्चों And the in orbital, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्जेक्टली exactly कहां पे इनसाइड साइडम या तो श्रॉडिंग टू कॉम्प्लेक्स लोग एक सिंपल चीज लेके आए क्वान्ट पढ़ेंगे क्वांटम नंबर हाउ वेर ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन साइड एंड वॉट इज द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइड दैट ऑर्बिटल क्लियर है बच्चा तो हमें क्या है हमने बनाए चार क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर हम लेके आए दैट इज रिलेटिवली सिंपल टू अंडरस्टैंड वी डिस्कस क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर चार होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एन अजीमुथल क्वांटम नंबर इसके और भी नाम है भी पढ़ेंगे इट इज नोटेड बाय लेटर एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चार क्वांटम नंबर है एम एल स्पिन क्वांटम नंबर एम एस या एमएस के बजाय एस बी लिखा होता है ओके यहां पे एम एल की बजाय एम बी लिखा होता है एम एल या एम और एम एस या एस क्लियर है बच्चों

और इलेक्ट्रॉन इनसाइड साइड एटम के लिए तुम्हें चारों क्वांटम नंबर चाहिए फॉर ऑर्बिटल इनसाइड यू नीड द फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर्स। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ऑर्बिटल कहां पे प्रेजेंट मतलब कौन सा ऑर्बिटल है इनसाइड साइड टू आइडेंटिफाई क्वांटम नंबर एंड टू आइडेंटिफाई नीड ऑल फोर क्वांटम नंबर क्लियर हो गई में यही क्वेश्चन आ गया था जस्ट दिस कि एक ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है और एक इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है क्लियर है किसी बच्चे को यहां अब देखो बच्चों, हमने एक सिंपल टर्म समझो ऑर्बिटल इज वेयर इन इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड राइट हमने कहा एक होता है शेल एक शेल में होते हैं कई सारे सब शेल एक सबशेल में होते हैं कई सारे ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि मैंने बताया था दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं समझ में आया नहीं आया एक शेल. शेल होता है सबसे बड़ी चीज एक शेल में एक से ज्यादा एक, एक से ज्यादा ऑर्बिटल हो सकते हैं और एक ऑर्बिटल में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अब गाइस इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम कहेंगे कौन से शेल के कौन से सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है समझ में आ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है अजीम क्वांटम नंबर बता दें उस शेल के कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता दें उस सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इन साइड दैट ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना ऑर्बिटल में तो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों एक शेल शेल को हमने किससे डिनोट करेंगे कौन से शेल की बात हो रही है वी टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर नंबर कौन से शेल की बात हो रही है अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कौन से सब शेल की बात हो रही है इनसाइड दैट शेल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है इनसाइड और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है किसी बच्चे ने लिख लिया या सारे बच्चों ने लिख लिया नहीं लिख लिया कि पहले तीन क्वांटम नंबर अस अबाउट ऑर्बिटल एंड ऑल फोर अस अबाउट इलेक्ट्रॉन ये कहीं लिख दूं मैं मैं भी लिखूं क्या या बच्चे लिखेंगे एन एल एम एल दीज थ्री की हेल्प से ऑर्बिटल आइडेंटिफाई होता है एन ऑर्बिटल इन स्पेस और एन एल एम एल और एम एस इसकी हेल्प से पता चलता है इलेक्ट्रॉन इन साइड ऑर्बिटल समझे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों सो कमिंग बैक टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि कौन सा शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कौन से शेल की बात हो रही है दैट इज डिनोटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों शेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिजाइड ओके गाइस क्लियर है यहां तक जैसे एग्जांपल लेते हैं एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर

कौन से जो हम ऑर्बिट होता था, था ना बोर मॉडल के अंदर यहां पे शेल हो गया इन क्वांटम मॉडल बोर मॉडल में दीज वर शेल्स बेसिकली मतलब शेल ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट क्वांटम नंबर में उसी के लिए टर्म क्या आ गई शेल बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाई? कोई डाउट यहां तक गुड तो यहां पे एन वन टू थ्री फोर हो सकता है या के एल एम एन हो सकता है दिस डिनोट ईच एन वैल्यू ईच एन वैल्यू डिनोट शेल या उसको हम क्या बोल सकते हैं वी कैन आल्सो कॉल इट एनर्जी लेवल वी कैन आल्सो कॉल इट एनर्जी लेवल बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्या कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक गुड तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अलेक्ट्रॉन्स इन अल इन बाय टू एन स्क्वास इन अल इज गिवन बाय स्क्त तुम समझ सकते हो यार एन स्क्वायर आर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन साइड तो हरेक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइड कितना हो जाएगा टू एन स्क्वायर एन स्क्वायर आर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन साइड एंड बी टोटल नंबर ऑफ अलेक्ट्रॉन इन साइड क्लियर हो गई ये चीज ऑर्बिटल अगर काउंट कर ले तो इट इज एन स्क्र अलेक्ट्रॉन जो कि हो सकते हैं इन साइड स्क्त समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई क्लियर हो गया ऑर्बिटल इन साइड मतलब फर्स्ट शेल में कितने बताना बच्चों बेसिकली, कितने ऑर्बिटल होंगे एक ऑर्बिटल होगा एनिकोड टू में कितने ऑर्बिटल होंगे फोर ऑर्बिटल होंगे एनिकोड थ्री में कितने ऑर्बिटल होंगे नाइन ऑर्बिटल और एनिकोलू फोर में कितने होंगे सिक्सटीन ऑर्बिटल ये भी हम करेंगे ये इसलिए ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं इट इज इंपॉर्टेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने तो टू से और मल्टीप्लाई कर दो मतलब पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दो सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं एट तीसरे वाले में कितने आ सकते हैं एटीन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों क्लियर हो गई ये चीज कोई डाउट गुड अब ये तो हमने शेल की बात करी यह शेल ऑर्बिटल के बारे में क्या बता रहा है ये तो हमने कहा गया इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है ये हमने तो देख लिया z n वन में मतलब फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है n टू में तो सेकंड शेल में प्रेजेंट है व्हाट डस शेल टेल अस अबाउट अ ऑर्बिटल व्हाट डस शेल टेल अस अबाउट अ ऑर्बिटल तो बच्चों एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस समझ में आया नहीं आया बच्चों जैसे एन बढ़ता जाएगा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा मतलब फर्स्ट शेल में जो ऑर्बिटल उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक तो गाइस एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का क्या मतलब है एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की होती है जब मैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बात कर रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल ठीक है बच्चों एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ ऑर्बिटल बच्चों क्लियर है यहां तक तो मैं क्या कह रहा हूं जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा मतलब शेल के ऑर्बिटल में एनर्जी फर्स्ट शेल का जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी सेकंड शेल में एनर्जी ज्यादा होगी थर्ड में और ज्यादा होगी एंड सो ऑन क्लियर है बच्चों कोई डाउट यहां तक जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट या रेज लेट अस यूज टर्म शेल

कुछ कह रहे थे समझ गए तुम्हारी एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा अब यहां मैं बता दू तुम्हें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे हाइड्रोजन एच ई प्लस एल आई टू प्लस एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एन ये हमने पढ़ाता नहीं पढ़ा था हार्डजन के लिए बोर मॉडल था सिर्फ एन, एनी तो आ रहा था फॉर्मूले में माइनस सिर्फ एन पे डिपेंड कर रहा है यू फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन बोथ एन एंड एल प्रिंसिपल कॉन्टेट नंबर और अजीम कॉन्टेप नंबर दोनों के वैल्यू से पता चलेगा कि तुम्हारा एनर्जी ज्यादा किसकी है समझ आ रहा नहीं आ रहा है जो एनर्जी है कौन सा सबसे ऑर्बिटल है उस पर भी डिपेंड करता है एनर्जी समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चा नॉट ओनली द एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल डिपेंड ऑन शेल इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द सब शेल गिवन शेल। तो आये नहीं आये बच्चों? बच्चों कितने को ये चीज़ बिल्कुल है? है। बोलो हर एक बच्चों क्लियर है। सिंगल के लिए एन। हमें पता था। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एन और एल दोनों पे डिपेंड करता है ठीक है ना बच्चों और ये इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल n एन ये बेसिकली हमारा

अजीम मुथल क्वांटम नंबर या इसका दो और नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एक और नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर ओके गाइस, ये तीनों नाम स्केयर एंड इट इज नोटेड बाय लेटर एल ये बताता है अबाउट अ सब शेल इन अ गिवन शेल ये क्या बताता है इट टेल्स अस एल टेल्स अस अबाउट अ सब शेल इन गिवन शेल इट टेल्स अस अबाउट अ सब शेल इन अ गिवन शेल बच्चों गिवन शेल मतलब एक गिवन एन वैल्यू के लिए इट इज टॉकिंग अबाउट सब शेड समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई फॉर एनी एन एल कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन किसी भी एन के लिए एल कितनी वैल्यूज ले सकता है जीरो से लेके एन माइनस वन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों एंड ईच एल वेल्यू रिप्रेजेंट अब एल वैल्यू रिप्रेजेंट अब और वैल्यूज को क्या ले सकता है लेके एन माइनस वन क्लियर है बच्चा? हमने कहा एल इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एस सबसेवल टू वन का मतलब होता है पी सब एल इक्वल टू टू का मतलब होता है डी सबसेल एल इक्वल टू थ्री का मतलब होता है एफ सबसे अब उसके बाद स्टेट ऑर्डर में चलेगा एल इक्वल टू फोर का मतलब हो गया एफ के बाद जी जी के बाद क्या आएगा बच्चों एच गॉट इट और नॉट गाय यहां तक नो अस पे अटेंशन टू सम एंड वैल्यूज क्या से ले? कहां से ले सकता है वन से आगे ले सकता है राइट एन वन ले सकता है टू ले सकता है थ्री ले सकता है एन इक्ट वन में एल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है बच्चों मैंने बताया था नहीं बताया था, जीरो से वैल्यूज लेता है तो यहां पे एल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है सिर्फ जीरो वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन एन यहां पर वन है मतलब यहां पर वैल्यू लेगा क्या जीरो इसका मतलब फर्स्ट में सिर्फ एक सब शेल है सिर्फ एक ही तो एल की वैल्यू आ रही है ना बच्चों जीरो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है और एल इक्वलू जीरो कौन से को डिनोट करता है एस को मतलब एन इक्वलू वन में देर इज ओनली वन सबसे कौन सा सबसेल बच्चों एस सबसेल एन इक्वलू टू में एल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है जीरो और वन मतलब एन इक्वलू टू में दो सबसेल है एस और पी एस हो गया एल इक्वलू जीरो और P हो गया L इक्वल तू one, n इक्वल तू three में कौन-कौन से subshell हो सकते हैं zero, one, two मतलब s, p, and d subshell, n इक्वल तू four में कौन से subshell हो सकते हैं गाइस ये सारी वैल्यूज L ले सकता है मतलब इसमें तुम्हारा s subshell भी होगा, p subshell भी होगा, d subshell भी होगा, f subshell भी होगा समझ में आया नहीं आया बच्चों अब ये मत कहना ये सब शेल और ये सब शेल सेम है ना जो ऊपर वाला एस सब शेल है वो फर्स्ट शेल का है जो नीचे वाला है है वो शेल का है। यहां पे मैं देखूंगा तो ये सब शेल कौन से का होगा थर्ड शेल का थर्ड शेल का एस सब शेल, शेल का एस सब शैल फर्स्ट शेल का एस सबशेल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाई जो मैंने अभी बताई है मतलब वन शेल में सिर्फ एस होता है टू में एस भी होता है पी भी होता है थ्री में एस भी होता है पी भी होता है डी भी होता है फोर में एस भी होगा पी भी होगा डी भी होगा एफ भी होगा कुछ समझ में आया या सिर के ऊपर से गया बताओ गाय क्लियर हो गई ये चीज सर थोड़ा ऊपर हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ क्या हो गया बेड़ा फर्स्ट में सिर्फ एस है वो लिखा है सेकंड में एस बी है पी भी है उसको मैंने ऐसे लिखा है तीसरे में एस बी है पी बी है डी भी है हाँ क्लियर है समझ में आया नहीं आया बच्चों आई थिंक इट इज क्लियर टू नाउ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सिंपल है अब ये काम कीजिए इस बच्चों कर लिया था नोट बेटा कौन से बच्चे ने कहा था मुझे नोट करना है नोट कर लिया था बोलो बेटा हो गया हो गया ओके अब आते हैं बच्चों l हमारा ऑर्बिटल के बारे में क्या बताता है ये हमने सबशेल का देख लिया कि each l value denotes a subshell inside a given shell समझ गए अब आते हैं l ऑर्बिटल के बारे में क्या बताता है इट टेल्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल इट टेल्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल भाई देखो एस तो मैं ये कह रहा हूं क्या बताता है आ रहा नहीं आ रहा है, है बच्चों जैसे जो एस सबसेल है उसकी शेप इज स्पेरिकल मतलब उसमें जो ऑर्बिटल है वो किस शेप के हैं बच्चों स्पेरिकल शेप के एस सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्पेरिकल शेप के क्लियर है स्पेरिकल का मतलब समझ गए स्पेरिकल एस सबशेल की जो ऑर्बिटल हैं वो किस शेप के हैं पी की शेप के हैं डम्बल लाइक दिस डी सबशेल के like की जो ऑर्बिटल हैं दे आर डबल डम्बेल इन शेप डबल Shape. Like this. कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों. बच्चो प्लीज हेल्प समझ आया नहीं आया एसर स्पेरिकल पीज डम्बल, डीज डबल डम्बल एफ इज टू कॉम्प्लीकेटेड टू एक्सप्लेन तो उसको हम नहीं जा रहे गेटिंग द आइडिया बच्चों. को डाउट किसी बच्चे को ओके फाइन इसको मैं फिर से बनाता हूँ

ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है Guys, अभी हमने पहली जो मोमेंटम पढ़ा था पढ़ा था नहीं पढ़ा था बच्चों एंगुलर मोमेंटम उसका फॉर्मूला क्या होता था एन एच बाई ट अब हम आ रहे हैं क्वांटम थ्योरी में उसमें जो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दिवन बाय रूट एल एल प्लस वन एच बाय टू पाई और वी कैन सिंपली कॉल इट रूट एल एल प्लस वन एच डैश समझ में आया नहीं आया बच्चों दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये बेसिकली हमारा जब वेव नेचर देख रहे दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्लियर है गाइस मतलब अगर कभी तुम्हें क्वेश्चन में फोर्थ शेल का एंगुलर मोमेंटम पूछे फोर्थ शेल का एंगुलर मोमेंटम पूछे क्या फॉर्मुला यूज करोगे एनएच बाई टू पाई कोई तुमसे फोर डी का एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है तो तुम क्या करोगे तो फिर तुम्हें जब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल स्पेसिफाई कर दिया तो डोंट यूज द दू पर दे आर आस्किंग द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या है फोर डी के जो ऑर्बिटल है उनका एंगुलर मोमेंटम क्या है तो यहां पर तुम फॉर्मूला क्या यूज करोगे गाइज ये वाला समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों

ओ oh, टू था सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया माय मिस्टेक इट वाज टू मैथ ध्यान में था मेरे क्लियर है गाइस यहां तक समझ गए क्लियर हो गई ये चीज गॉट इट और नॉट इस तरीके से हमारा होगा ओके okay? मतलब अगर तुम्हें ये दे रखा है सिर्फ फोर शेल दे रखा है तो यूज द फॉर्मूला एन एच बाई टू पाए इट बी फोर एच बाई और फोर बोल रखा है सपोजिंग मैं फोर की बात करता हूं तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इट्स गोइंग टू बी जीरो एल इज जीरो फॉर एस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों तो so, यहां पे एल इज जीरो तुम निकाल सकते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल कम आउट जीरो समझ आया नहीं आया बच्चों कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक गुड वी आर डन विद जीम उत्सल क्वांटम नंबर नाउ लेट इज गॉन टू मैगनेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम किससे डिनोट करते हैं एम एल से वी डिनोटेड वेल एम एल का ए बताता है ऑर्बिटल इन साइड गिवन सबशेल एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है पहला था शेल बता रहा था दूसरा सब शेल बता रहा है तीसरा ऑर्बिटल बता रहा है इनसाइड सब शेल ठीक है बच्चों एम एल वैल्यू क्या बताती है ऑर्बिडल इन साइड बच्चो जगह मैंने एक चीज नहीं बताई तुम्हें आई थिंक इट इज प्रीटी मच अंडरस्टूड फॉर एल सॉरी एन वॉट आर टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल

अब हमारे एक एल के अंदर तुम्हारा एम एल कितनी हो सकते हैं एंड इन अ गिवन एल इन अ गिवन सब शेल द वैल्यूज एम एल कैन टेक वो हाउ मेनी ऑर्बिटल देर आर इन साइड समझ आया नहीं आया बच्चों अब हम सब शेल के अंदर ऑर्बिटल देखना चाह रहे हैं कितने हैं क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई तो एम एल कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम माइनस एल टू एल इंक्लूडिंग जीरो इट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम माइनस एल टू एल इंक्लूडिंग आया ना आया Guys, बताओ क्लियर हो गई तो टोटल वैल्यूज कितनी लेगा एम एल माइनस एल से माइनस वन एल वैल्यूज ली फिर वन से लेके एल फिर एल वैल्यूज ली और एक जीरो भी ली

एम क्या क्या वैल्यूज ले सकता है एमएल बेसिकली क्या क्या वैल्यूज ले सकता है माइनस जीरो माइनस एल टू एल एमएल जीरो वैल्यू के लिए ML क्या वैल्यूज ले सकता है ना बच्चों अब तुम्हें समझ में आ रहा है एल इक्वीरो के लिए एम एल कितनी वैल्यूज लेगा टोटल वैल्यूज

L two के लिए क्या-क्या ले -क्या ले रहा रहा है? है? से कितनी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैंने अभी बोला है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर L जो एम एल ले सकता है एम एल इतनी वैल्यूज ले सकता है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों जैसे यहाँ पे कितनी ली वैल्यूज इसने टोटल वैल्यूज एक यहाँ पे उसने टोटल कितनी वैल्यूज ली तीन यहाँ पे उसने कितनी ली पांच और इसके लिए कितनी लेगा ये बच्चों सेवन वैल्यूज और हर वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है मतलब तुम्हें समझ आ रहा है एल जीरो का मतलब क्या था एस सबशेल एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताना जरा मुझे इच एम वैल्यू डिनोट ऑर्बिटल ये मैंने बताया था तो एस के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं एक में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? में कितने ऑर्बिटल होते हैं? आया नहीं आया बच्चों एस ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल हैं? एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? तीन डी सबशेल में कितने कितने ऑर्बिटल है सात समझे या नहीं समझे गाइस क्लियर हुआ है क्लियर हो गई ये चीज फॉर अ गिवन सबशेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन साइड ऐसे पता चलते हुई ये चीज या नहीं हुई ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड विद ये सर क्या समझ में आ रहा है ओके yes, okay. अब आते हैं जो एम एल है हमारा इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल जैसे मैंने बताया था कि जो एन है एन क्या बताता था साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल नंबर क्या बताता था शेप ऑफ ऑर्बिटल ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रेस्पेक्ट टू एक्सेस विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सेस विद रेस्पेक्ट टू कोर्डिनेट एक्सेस It is about of with to axis. और जितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है उतनी ही ऑर्बिटल होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने ऑर्बिटल होंगे उतने ही होंगे जितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है जितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल है उतने ही तुम्हारे ऑर्बिटल होंगे मतलब एस सबशेल में ऑर्बिटल सिर्फ एक ही तरीके से ओरिएंट हो सकता है पी सबशेल में जो ऑर्बिटल है वो कितनी शेप कितनी तरीके से ओरिएंट हो सकता है तीन तरीके से समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों जितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल है उतने ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे इनसाइड दैट सबशेल समझो आया नहीं आया जितनी तुम्हारी ऑरियंटेशन पॉसिबल है उतने ही ऑर्बिटल प्रेजेंट हो क्लियर हुआ है नहीं जितने सब शेल, मतलब जितने ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन पॉसिबल है जितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है फॉर ऑर्बिटल ऑर्बिटल उतने ही क्लियर है गाइस में कितनी ओरियंटेशन पॉसिबल है ऑर्बिटल की एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक है ठीक है ना गाइस पी में जो ऑर्बिटल्स है वो कितनी तरीके से ओरिएंट हो सकते हैं तीन तरीके से डी सबशेल में जो ऑर्बिटल्स है वो कितनी तरीके ओरिएंट हो सकते हैं पांच तरीके से जितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल है उतने ही ऑर्बिटल होंगे क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों तो गाइस लेट अस टॉक अबाउट द ऑर्बिटल जब हमने इतनी मेहनत कर ली लेट अस टॉक अबाउट द ऑर्बिटल एस सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर स्फेरिकली इन शेप हां ना दिस इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल क्लियर है गाइस पी ऑर्बिटल एस का तो ऑर्बिटल है ही एक हाँ है ना एस सबशेल में जो ऑर्बिटल है वो एक ही है तो हम एस सबशेल बोले या एस का ऑर्बिटल बोले इट मेक नो डिफरेंस एक सबशेल में एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है तो मुझे एस सबशेल भी बोलते हैं और एस का ऑर्बिटल भी बोल देंगे क्योंकि एक सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है क्लियर है गाइस इसके लिए एम वैल्यू क्या होगी बच्चों जीरो ओके okay? S में एल वैल्यू एम क्या क्या वैल्यूज ले सकता है L इक्वल जीरो के लिए ml क्या क्या वैल्यूज ले सकता है सिर्फ जीरो ही लेगा माइनस एल टू l लेता है ना गाइस एस सब शेल के लिए ml की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है क्या जीरो p के लिए ml कितनी वैल्यूज ले सकता है माइनस वन ले सकता है जीरो ले सकता है वन ले सकता है हाँ है ना बच्चों इन ऑर्बिटल्स को बोला गया पी है पी वाई

जैसे अगर तुम चेयर पे उस पर बैठे हो टेबल के आगे बैठे हो तो देर आर थ्री समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों एक को एक्स मानो एक को वाई मानो एक को जेड मानो axes, हो रहा है जो यहां से जा रहा है और सीधा परपेंडिकुलर टू तो प्लेन ऑफ मॉनिटर जा रहा है समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों जो Z जा रहा है इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई विजुअलाइज वाई एंड क्लियर है तो हम आते हैं पी एक्स पे Px इज पी ऑर्बिटल्स की shape क्या दी बच्चों को ये बताएगा मुझे पीएक्स ये है पी py. पी जेड कैसे होगा बच्चों अलोंग the बी axis. axis x, y, एक्स वाई जेड में आया ना आया दिस इज pz. तीन orbitals. pz के लिए एम एल वैल्यू क्या होती है मैंने अभी ऊपर लिखवाई थी ML is जीरो और px, पी वाई एक प्लस वन एक माइनस वन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों क्लियर हो गई ये चीज अब आते हैं डी ऑर्बिटल्स पे डी कितने हो सकते हैं गाइस डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं एल इक्वल टू टू के लिए एम क्या क्या वैल्यूज लेगा माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू पांच पांच वैल्यूज लेगा मतलब पांच डी के ऑर्बिटल है आए ना बच्चों एम कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम माइनस टू इंक्लूडिंग जीरो इसमें जो ऑर्बिटर्स आते हैं वो आते हैं तुम्हारे डी एक्स वाई डी एक्स स्क्ता हूं वन सेकेंड लेटमी रीआइड पैटर्न समझ में आ जाए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्सड एंड डी स्क्वायर ये पांच हमारे ऑर्बिटल हैं डी के क्लियर है गाइस अब जिसमें सिर्फ जेड है वो है तुम्हारा ML जीरो वाला हैल्लू जीरोल इक्लू जीरो जिनमें जेड कॉम्पोनेंट है लेकिन पूरा जेड कॉम्पोनेंट नहीं है दे आर प्लस माइनस वन और जिनमें जेड कॉम्पोनेंट है नहीं दे आर प्लस माइनस टू से एक एम एल प्लस टू माइनस टू वाला होगा नहीं आ रहे बच्चों आया नहीं आया जिसमें सिर्फ Z है, ML जीरो। जिस Z आ रहा है लेकिन कम आ रहा है वो है प्लस माइनस वन और जिसमे ही नहीं वो है प्लस माइनस टू तुम ऊपर से भी रिलेट कर सकते पी जेड में जेड कॉम्पोनेंट है तो आइडिया उसको हमने एम एल जीरो पुट कर दिया, बाकी को प्लस वन माइनस वन कर दिया ये एम एल वैल्यूज है हमारे डिस्क शेप ऑफ ऑर्बिटल पहले आते हैं डी एक्स वाई पे या पहले डी एक्सक्वाई स्क्वायर ही कर लेते हैं डी एक्स स्क्वायर ये होते हैं ऐसे बच्चों लाई ऑन द शेप क्या दिखाई थी इसकी डबल डम्बल हा है ना बच्चों डी यानी दी डबल डम्बे दिस इज डी एक्सक्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है बच्चों अब आते हैं डी एक्स वाई लेट इज गॉन डी एक्स वाई बच्चों एक्स वाई में क्या होता है इट इज लाइंग इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्स इट इज लाइंग इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्स क्लियर है समझ में आए नहीं आया बच्चों अब आते हैं डी वाई जेड YZ को मैं बना ऐसा ही रहा हूं जैसा तुम्हारा XY वाई है आइडिया यहां पे Y होगा यहां पे Z होगा मेरे लिए बनाना मुश्किल पड़ेगा अदरवाइज इसलिए मैंने अब YZ ले लिया तो डी वाई जेड विल बी लाइंग लाइक दिस की शेप ही है अब आते हैं डी एक्स जेड या जेड एक्स ये x और ये z समझ में आए नहीं आए बच्चों क्लियर हुई ये चीजें आ हुई गाय अब आते हैं लास्ट पे डी जेड स्क्वायर इसको देखो बाइस आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी दैड एक्सिस दिस टू बी एक्स एंड दिस टू बी वाई

समझ में आया ना आया बच्चे बोलते ही नहीं है आगे समझ आए ये हमारे पांच डी के हैं ये लास्ट वाले में रिंग समझ में आ रही है प्लेन में होगी एक्स वाई प्लेन में और ये जो Z है ये ऊपर नीचे मतलब X-X z एक्सिस के अलावा क्लियर है बच्चों इनको क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं लोब्स इनको क्या बोलते हैं लोब्स समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों आर यू इन्हें क्या बोलते हैं? Clear है वो दो रिंग नहीं, वो मैंने एक रिंग को समझा रखा है एक एक मैंने करी क्लियर है बेटा देर इज अ रिंग इन एक्स वाई प्लेन एंड देर इज लोब्स इन दलोंग क्लियर है किसी बच्चों को वेव फंक्शन का साइन भी होता है साइन भी होता है साइन कैसा होता है इट हैज़ गॉट द सेम साइन एवरीवेयर इट इज गॉट सेवरीवेर जो हमारे ये है इसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है एक एंड नेगेटिव ये साइन ऑफ वेव फंक्शन है ये क्या है दिस इज द साइन ऑफ वेव फंक्शन हाँ बेटा साइन ऑफ वेव फंक्शन दैट्स एट इट्स जस्ट डिनोट द साइन ऑफ वेव फंक्शन इट और नॉट? क्लियर है यहां तक साइन ऑफ वेव फंक्शन जो साइन ने बनाया उसी हिसाब से बनाना बच्चों अगर अगर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन एसपीडी में कौन सा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ओरिजिन मतलब सेंटर डोंट डेल मी एसपीडी तीनों सिमेट्रिक है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब समझ में आ रहा है एक लाइन हमने बनाई पासिंग थ्रू ओरिजिन तो दोनों साइड में इट शुड बी सेम दोनों साइड्स ऑफ द लाइन शुड बी सेम सिमेट्रिक है सिमेट्रिक है पी सिमेट्रिक है इज पी सिमेट्रिक टेल मी इज इट सिमेट्रिक ओरिजिन मतलब सेंटर दिस सेंटर आई एम टॉकिंग अबाउट बताओ बच्चे यार तुम कहो लग रहा है साइन ऑफ वेव फंक्शन एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन

होता है। जब से है। दोनों साइड में सेम अगर हमने तो क्यों नहीं होगा सिमेट्रिक इन द सेंस अलोंग द एक्सिस यहाँ पे जो पॉइंट है और यहाँ पे जो पॉइंट है आर दे नॉट सेम जस्ट ओरिजिन की बात कर रहा हूं ठीक है ना बेटा इट इज सिमेट्रिक दोनों साइड में इट इज कटिंग सिमेट्रिकली डिस्टेंस से कोई कुछ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस पे दोनों साइड में देखो सेम साइन आ रहा है ओके गाइस यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों क्लियर हो गया तो जो हमारा एम एल है उसकी बात कर रहा था मैं मैं ये बता रहा था कि जो एम एल है पॉसिबल उतनी ऑर्बिटल पॉसिबल बच्चों मुझे रिमाइंड कर देना बिफोर आई लीव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मुझे मैग्नेटिकोट भी बताना है ठीक है? अभी मैं कुछ और चीज बताने जा रहा हूँ मैं मैंने फॉर्मुला बताया था ना एन एच शेल में कितने होते एन शेल में कितने होते मैंने क्या फॉर्मुला बताया था एन गुड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल कितने टू एन स्क्वाइटर टॉक अबाउट एन इक्वल टू वन इसमें कितने बताना बच्चों की एल ए की वैल्यू लेगा जीरो में ऑर्बिटल कितने होते हैं एस सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं एक ऑर्बिटल होता है ना बच्चों तो डू यू रियलाइज एम एल की वैल्यू जीरो मतलब

एल इक्वल टू जीरो में कितने ऑर्बिटल होते हैं कितने ऑर्बिटल होते हैं एल इक्वल टू जीरोल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ बच्चों, एस सबशेल एल इक्वल टू जीरो मतलब एस सब्शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं एक होता है गुड और एल इक्वल टू वन पी सब में कितने ऑर्बिटल होते हैं तीन पी एफ पी वाई पी जेड समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए चार उनमें से एक एस का है और तीन पी के हैं कितने ऑर्बिटल होंगे टू जीरो का एक टू वन मतलब पी का तीन और टू टू डी का पांच नाइन ऑर्बिटल आया नहीं आए बच्चे यही फॉर्मूला आता है नहीं आता है एन एन स्क्वायर इक्वल फोर में और बता दो यहां चार वैल्यू लेता है जीरो वन टू थ्री तो बेसिकली ले लिया वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस एफ सब में कितने ऑर्बिटल होते हैं सेवन सिक्सटीन ऑर्बिटल समझ में आया या नहीं आया बताओ गाइस क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई एन एच शेल में not, कोई किसी बच्चे को यहां nice. okay? अब मेरे को नोड बताना था बच्चों नोड दो तरह के होते हैं अभी मैं एक बात कर रहा हूं नोडल प्लेन की मैं आगे भी डिस्कस करूंगा बट आई एम डिस्कसिंग इट राइट नाउ आल्सो प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर और उस प्लेन के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है जीरो एक ऐसा प्लेन जो कि न्यूक्लियस से पास हो रहा है और उस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता दट इज अडल प्लेन इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस थ्रू द सेंटर ऑफ एटम एंड इट इज अ प्लेन जहां फाइनडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है क्या ऐसा कोई प्लेन डाल पा रहे हो जो ऑर्बिटल को कट ना कर रहा हो ऑर्बिटल इज न्यूक्लियस। ऑर्बिटल का जो शेप है वो क्या है मतलब एक पूरा शेल बना रहा है क्या बना रहा है शेल बना रहा है अब अगर तुम कोई प्लेन डालते हो डालने की कोशिश करते हो डू यू रियलाइज और नॉट वो ऑर्बिटल को कट करेगा ही करेगा ये हम नोडल प्लेन बनाने की कोशिश करते थे ये हम क्या बनाने की कोशिश रहे थे नोडल प्लेन और नोडल प्लेन की कंडीशन क्या है नोडल प्लेन क्या है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है नोडल प्लेन और ऑर्बिटल और नॉट बी कटिंग नोडल प्लेन एंड ऑर्बिटल नॉट बी कटिंग

के लिए तुम कोई भी प्लेन डालो न्यूक्लियस इट विल डेफिनेटली कट करेगा ही करेगा क्योंकि दैट ऑर्बिटल फॉर्मिंग हमें कट नहीं करना. तो S अब आते हैं पी एक्स पे भाई तुम्हें ये नोडल प्लेन दिख रहा नहीं दिख रहा है ये प्लेन है मतलब ये मैंने ऐसे प्लेन डाला है लाइन नहीं है ये इन विच डायरेक्शन ये जो मैंने प्लेन बनाया दिस इज वाइजेड प्लेन अगर तुम ध्यान से नोटिस करो ये लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया ये actually कौन सा प्लेन है, है और जो वाइजेड प्लेन है वो सेंटर से पास कर रहा है कर रहा है नहीं कर रहा है बच्चों में आ रहा है जो मैंने बनाया है Guys, are you able to understand this or not?

और क्या ये ऑर्बिटल को कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे यार जिस पॉइंट पे वो जा रहा है वहां पे तो ऑर्बिटल है ही नहीं इस पॉइंट पे ऑर्बिटल दिख रहा है तुम्हें नहीं सो दिस इज अल प्लेन फॉर पी एक्स समझ में आया नहीं आया अब मुझे बताओ पी वाई के लिए कौन सा नोडल प्लेन होगा एक्सड एक्स जेड इज अल प्लेन फॉर पी वाई और पी जेड के लिए कौन सा नोडल प्लेन होगा PZ के लिए कौन सा नोडल प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन विल बी द नोडल प्लेन फॉर PZ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों अब आते हैं D ऑर्बिटल्स में यहां पे डू यू रियलाइज हर ऑर्बिटल के लिए दो नोडल प्लेन आनी चाहिए दीज आर टू नोडल प्लेन्स जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो

तो तो DZ square. DZ square well, nice. तो जितने भी क्वान पढ़े तीन पढ़ चुके हैं हम पढ़ चुके हैं उनसे हमें ऑर्बिटल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कौन से, के, से शेल के, कौन से से के, कौन ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हमें इलेक्ट्रॉन है। है, कि रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस इट इज आल्सो स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस वो अपनी एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा है नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस

तो बेसिकली हमने क्या कहा मैं लिख देता हूं इट मूव अराउंड न्यूक्लियस एंड ऑल्सो स्पेंस ऑन इट्स एक्सिस ओके गाइस अबाउट इट्स एक्सिस ऑन इट्स एक्सिस तो गलत है

एस या एम एस एस या एम एस डजेंट ये हमारा देर आर पॉसिबिलिटीज एम एस की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है दो हो सकती है बच्चों इट कैन हैव है या मैं ऐसे लिखता हूं वन सेकेंड का स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैन हैव टू ओरियंटेशन दो ओरिएंटेशन पॉसिबल है एमएस दो वैल्यूज ले सकता है हाफ या माइनस हाफ इट कैन हैव टू ओरिएंटेशंस बेसिकली एक ऐसे मान के चलो सोचने के लिए सोचने सोच के लिए ऐसे सोचो एक क्लॉकवाइज पिन एक एंटी क्लॉकवाइज पिन समझ तो में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे इज इट कैन हैव टू ओरिएशन एम एस दो वैल्यूज ले सकता है हाफ या माइनस हाफ इनको क्या बोला जाता है इन वैल्यूज को बोला जाता है दीज टू ओरिएंटेशन आर कॉल्ड स्पिन स्टेट ऑफ अलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट ऑफ अलेक्ट्रॉन इसको डिनोट किया जाता है एज स्पिन अप इसको बोला जाता है स्पिन डाउन ओके बच्चो स्पिन अप एंड स्पिन डाउन क्लियर है गाइस स्पिन अप स्पिन डाउन आर द टू स्पिन स्टेट्स

मतलब अगर एक स्पिन अप है तो एक स्पिन डाउन होगा बच्चों समझ आया नहीं आया क्लियर है गाइस क्लियर हो गई चीज दोनों का स्पिन अलग अलग होगा एक स्पिन अप है तो दूसरा स्पिन डाउन होगा हाँ बेटा स्पिन के पास दो ही वैल्यूज है हाफ या माइनस हाफ हाँ दीज आर द ओनली टू वैल्यूज पॉसिबल फॉर स्पिन नंबर क्लियर हुआ ही नहीं हुआ बच्चों ये चीज

मतलब अगर एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे उसकी स्पिन स्टेट क्या है हाफ नॉट माइनस हाफ समझ में आया नहीं आया बच्चों अब मैं एक चीज एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो अभी नहीं समझ में आएगा डोंट वरी अबाउट ऑर्बिटल्स हैं है ना बच्चों ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं ऑर्बिटल में दो हाँ है ना हमारे पास होता है एक फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का डिनोटेड बाय म्यू, इट इज गिवन एज रूट एन इंटू एन प्लस टू ओके गाय यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जिसे बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन दिस इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर है गाइस, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है यहां पे एन क्या है उस पर ध्यान दो एंड इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड क्या बच्चों, number of unpaired electrons. Electrons unpaired है बच्चों कितने इलेक्ट्रॉनपेयर तुम्हारे पास पहले सारे ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है और आखिरी के तीन ऑर्बिटल्स में एक 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 इलेक्ट्रॉन है तो कितने अनपेड हो गए तीन पहले के सारे भरे हुए हैं ऑर्बिटल और आखिरी के जो तीन ऑर्बिटल है उनमें हर एक में एक 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 इलेक्ट्रॉन है तो तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन बैठे एन की वैल्यू क्या उठाओगे तो थ्री तो यू रूट फिफ्टीन एज योर मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दैट सब्सटेंस। समझ में आया नहीं आया बच्चों क्लियर है यहां तक अब देखो अगर एन है जीरो तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं डाया मैग्नेटिक दे आर कॉल्ड डाया मैग्नेटिक ओके बच्चों एन इक्वल टू जीरो का मतलब डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस डाया मैगनेटिक सब्सटेंसेज आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिनका एन इज नॉट जीरो उनको बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेज दे आर वीकली अट्रैक्टेड दीज आर वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बच्चो कुछ समझ में आया ना आया गाय बताओ क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई जो मैंने अभी बताया है तुम्हें बच्चों बोला गाइस क्लियर और नॉट जो मैंने भी बताया रट नहीं गाय नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी तुम्हें ये नहीं electrons देखेंगे कैसे क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे ऑर्बिटल में आई नॉट टोल्ड यू दैट मैंने एक सिंपल केस ले लिया कि आखिरी के तीन ऑर्बिटल में एक 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 इलेक्ट्रॉन है तो एन तो की वैल्यू आ जाएगी थ्री सब्सटेंस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक एक्सटर्नल 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 मैग्नेटिक फील्ड ई एक्स टी ई आर एन ए एल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हुआ है नहीं आव बच्चों पर डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक आर वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को ओके गाइस जस्ट अ सेक बच्चों क्वेश्चन बच्चों सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट गाइस देखो अच्छा एक सौ और बच्चों में बिफोर आई गो गोन्डोर क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वहां पे एस की वैल्यू हम सिर्फ हाफ उठा रहे होते हैं ओके गाइस माइनस हाफ नहीं उठाते हाफ कि एस माइनस हाफ लोगे तो तुम्हारा रूट में नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे जो हम स्पिन ले रहे होते हैं दैट इज जस्ट हाफ बच्चों क्लियर है ओके टोटल ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल टू थ्री क्या होगा बच्चों गायस कितने ऑर्बिटलिएटेड असोसिएटेड है विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल टू थ्री नाइन एन स्क्वा सिंपल नाइन बच्चों हमें दे रखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज फाइव तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल क्या होंगी बच्चों एल नॉट एम एल जीरो टू फोर इट विल बी विरो टू फोर हाँ है ना बच्चों इट विल बी जीरो टू कोई डाउट किसी बच्चे में यहां तक कोई डाउट नहीं दैट इज नाइस ठीक है एन शेल में कितने सब शेल होंगे शेल में नंबर ऑफ सबसे के एल एम एन कितने शेल होंगे बच्चों न का मतलब हो गया एन निकोलू फोर बताओ तो कितने नंबर ऑफ सब्शन होंगे बताओ ठीक है के ल, म, एन, एन इस फोर। ना गाय फोर्थ चेल में कितने सब है? तुम्हें याद है मैंने अभी क्वेश्चन दिया था कि एन शेल चेल में कितने नंबर ऑफ सब्शन होते हैं एन ही होते हैं 0 टू n 1 जा रहा है तो नंबर कितना है टोटल 0 से n 1 तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज l कितनी ले रहा है 0 1 2 3 लेगा ना बच्चों n शेल का मतलब है n 4 k l m n फोर्थ शेल में l क्या-क्या वैल्यूज लेता है 0 से लेके 3 तो l नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी ले रहा है चार समझ में आया नहीं आया बच्चों क्लियर हो गई ये चीज डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं गाइस क्वेश्चन एक और पूछ रहा हूं मैं तुमसे डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं डी सबशेल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हा बच्चों बताना कितने होते हैं फाइव होते हैं हाँ है ना बच्चों क्लियर है गाइस डी सब्शेल का मतलब हो गया एल इक्वल टू टू इसमें हमारी एम एल के माइनस एल टू एल टू एल प्लस माइनस टू माइनस वन जीरो पांच वैल्यूज लेता है मतलब पांच ऑर्बिटल है, है. है. जिसको तुम डायरेक्टली फॉर्मले से निकाल सकते थे टू एल प्लस वन से समझ तो में आया नहीं आया बच्चों क्लियर हो गया हर एक बच्चों क्लियर है किसी को कोई डाउट नहीं है गुड दैट इज नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छा a... बच्चों एक चीज बताऊं जी एस सबशेल एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्वेश्चन नहीं था मैं ये एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं दो पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं तीन, PX, PY, PZ, जो ML -1, 0, 1 होता है अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं अगर तीन ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे सिक्स डी सब्शियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं पांच ऑर्बिटल होते हैं दस इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एफ सब्शियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बोलो गाइस एफ में कितने आ सकते हैं इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं एफ में सेवन एफ में एफ सब्शल में सेवन ऑर्बिटल होते हैं और हर एक में दो आ सकते हैं तो यू कैन पॉसिबल क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज गुड एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन फस्ट शेल विद एन इक्वलू थ्री कितना होगा बच्चों एन इक्वलू थ्री के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है बोलोगाएस एन इक्वल टू सी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल कितने होंगे सो टेन इलेक्ट्रॉन्स नहीं नहीं एडीन बेटा एन इक्वल टू सी एन स्क्वायर ओके सर एन स्क्वायर इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टू एन स्क्वायर आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाँ ना बच्चों विल बी टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच एडीन बच्चों क्लियर हुआ है न्यू गाइस सबशेल विल एल इक्वल टू थ्री में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं बताना बच्चों सबशेल विल एल इक्वल टू थ्री में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल एल इक्वल टू थ्री -E का मतलब क्या हो गया टू प्लस वन होता है बेटा सेवन ऑर्बिटल्स होंगे एल इक्वल टू थ्री का मतलब एफ सबशेल तुम्हारे पास सेवन ऑर्बिटल्स होंगे और फोर्टीन इलेक्ट्रॉन होंगे हाँ ना बच्चों बोलो गाइस क्लियर हुआ ना हुआ समझ तो में आ रहा है हर एक बच्चे को मैं क्या कहना चाह रहा हूं ऑर्बिटल विद वेड़। एम एल इक्वल टू थ्री कितना होगा बच्चों इधर थोड़ा एड लग रहा होता है बहुत आसान है एमएल इक्वल टू थ्री का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात करी आ रही है जिसकी एमएल वैल्यू थ्री है

क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने बताया है अभी बच्चों बोलो हर एक बच्चे क्लियर है गुड एक क्वेश्चन ले रहा हूं ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीआरडी में भी दे रखे हैं और जे में भी आ रखे हैं विच इज इंपॉसिबल एन एल एम एल एम एस पहला थ्री थ्री माइनस टू हाफ दूसरा फोर जीरो हाफ तीसरा थ्री टू माइनस टू हाफ फोर्थ फाइव थ्री जीरो हाफ यह मैं दे रखा इनमें से कौन सा इम्पॉसिबल है कौन सा गलत है भाई फॉर अ गिवन एन एल क्या वैल्यूज लेता है जीरो से लेके एन माइनस वन एम क्या वैल्यूज ले सकता है माइनस एल टू एल और एमएस क्या वैल्यू ले सकता है या तो हाफ या माइनस हाफ कौन सा गलत है इनमें से कौन सा गलत है इनमें से बच्चों बताओ पहले वाला गलत है क्योंकि अगर एन दिए दो तो एल भी जीरो और आई दिस इज रॉन्ग समझ में आया नहीं आया बच्चों हाफ होता माइनस हाफ होता इट ड मैटर एम एस हाफ भी हो सकता है माइनस हाफ भी हो सकता है क्लियर है गाइस एम एस लेगा लेगा टू समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों और एन वैल्यूज लेगा वन टू थ्री फोर लाइक दैट क्लियर हुआ है, नहीं बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में क्या क्या बताता है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में क्या बताता है साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताता है ये क्वेश्चन आ रखे हैं गाइस डोंट मेक अ मिस्टेक अस्टेक अब पॉसिबल सबसे फॉर एन प्लस एल इक्वल टू सेवन ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं एन प्लस एल की वैल्यू सेवन है तो कितने पॉसिबल आर द पॉसिबल फॉर एक काम करो एन की वैल्यू एल जीरो मान लो सबसे पहले एल जीरो का तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेवन एल जीरो का मतलब क्या हो गया कौन सा सबसे मतलब एक पॉसिबिलिटी सेवन एस है दूसरी क्या होगी एल की वैल्यू बढ़ा दो एन की वैल्यू एक कम कर दो अब एल की वैल्यू बढ़ाई, मतलब L को टू वन मतलब पी उसके लिए एन क्या आने वाला है six, six P. फिर five D. फिर four F. उसके बाद क्या आएगा बच्चों अब तुम कहोगे थ्री जी ये नहीं हो सकता क्योंकि अगर एन थ्री है तो तुम्हारा एल क्या होना चाहिए जीरो वन टू समझ आ रहा है नहीं आ रहा है थ्री के लिए सिर्फ डी होता है थ्री में एफ तो आता ही नहीं हाँ बेटा बेटा हमें पूछा गया है कि जो ऑर्बिटल्स हैं, उनमें एन प्लस एल वैल्यू इज सेवन और हमें पूछा गया है एन प्लस एल सेवन के लिए कौन कौन से सबशेल्स होते हैं कौन कौन से सबशेल्स पॉसिबल है तो मैं कह रहा हूं सेवन एस में एन की वैल्यू हमने सेवन डाली तो एल क्या आया बेटा जीरो क्लियर है 6P का मतलब हो गया N 6 और L 1. ये ये चीज आ आ रही नहीं आ रही नहीं जो मैं बोल रहा बेटा हम सारे केसेस बना बना के लिख रहे हैं ओके फाइव डी का मतलब हो गया एन इक्वल टू फाइव और एल इक्वल टू टू फोर एफ क्या हो गया एन इक्वल टू फोर एल इक्वल टू थ्री अब तुम कहोगे यार एक और लेके देखते हैं हाउ अबाउट 3g मैं कहूंगा भाई 3g का मतलब ये हो गया n 3 एंड l 4 ये तो हो ही नहीं सकता l हैज़ टू बी बिटवीन 0 टू n 1 l जो वैल्यू है इट शुड बी लाइंग बिटवीन 0 टू 2 आनी चाहिए समझो आया नहीं आया बेटा मतलब जो मैंने लास्ट लिया है ऐसा कुछ नहीं होगा तो कितने सब्सजेल्स पॉसिबल हैं गाइस चार बच्चों समझ में आया नहीं आया चार सब्सेस आर पॉसिबल क्लियर हो गई ये चीज अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप का बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन प्लस एल इक्वल फोर करो गाइस सारे पहले ऑर्बिटल्स या सब शेल्स लिख लो फिर तुम्हें बताए एस सब में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम दो d में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6 d में कितने आ सकते हैं तुम्हारे दस f में कितने आ सकते हैं चौदह करो गाइस ट्राई डूइंग दिस वन सबसे पहले n की मैक्सिमम वैल्यू है स्टार्ट करो w4s ठीक है बच्चों फिर क्या आएगा n ने कम किया l को बढ़ाया 3p उसके बाद क्या आएगा 2d ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें n इज 2 एंड l इज आल्सो मतलब जीरो जी से लेके एन माइनस वन जाना चाहिए ये दो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों बताना जरा फोर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बोलो एस में कितने आते हैं दो आते हैं नहीं आते हैं गुड और पी में कितने आएंगे बच्चों सिक्स टोटल कितने आ गए एट समझ में आया नहीं आया बच्चों कितने बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है बोलो गाय क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे जेई में दैट इज आई एम ऑन बेटा ये तुम्हें आने चाहिए या आ सकते हैं या तो आ रखे या आ सकते हैं क्लियर हो गया गुड ओके मुझे क्यों दाओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है सुनते आना बच्चों फॉर एल इक्वल टू जीरो

क्योंकि उसने बता रखा है कि कौन से ऑर्बिटल का एंग, एंग, एंगुलर मोमेंटम उसे चाहिए कौन से जो ऑर्बिटल है देयर या सब शेल स्पेसिफाइड द सब शेल एस तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा बच्चों इट इज गोइंग टू बी 1s 2s 3s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा से भाई l वैल्यू जीरो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी 0 फॉर बोथ 1s 2s एंड 3s

गड कुछ क्लियरिटी आई या नहीं आई पहले मुझे ये बता दो गाइस बच्चों बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैंने अभी बताया है नाइस nice. और मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों मैंने कहा था हाइड्रोजन एटम में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन एन जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डिपेंड्स ऑन एन एन एल तो हाइड्रोजन एटम में वन एस है इसकी एनर्जी कम होगी इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एन और एन बढ़ाने पे पता है एनर्जी क्या होती है बढ़ती है और सेकेंड ऑर्बिटल में सॉरी सेकेंड शेल में तुम्हारा टू एस भी होता है टू पी भी होता है लेकिन इन दोनों की एनर्जी क्या होगी बराबर होगी

का तो मैंने पढ़ाई अच्छा ठीक है बच्चों अच्छा। तो टू एस और टू बी की एनर्जी क्या होगी बराबर उसके बाद आता है थ्री में तीन होते हैं एस पी डी हाँ ना। इन तीनों की एनर्जी विल बी इक्वल क्लियर है गाइस फिर आएगा फौर एस, फौर पी, फौर डी, फौर मतलब यहां पे सिर्फ वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है एनर्जी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है एन पे ये एल वैल्यूज डिफरेंट है

या 4s, 4p, 4d, 4f की एनर्जी सेम नहीं होगी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एन लिख देता हूं मैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ओनली ऑन एन हार्डिजन एटम या हार्डिजन लाइक स्पीशीज कुछ क्लियर हुआ ना हुआ बच्चों ये बताओ मुझे बोलो गाइस से समथिंग हाँ सर समझ में आ गया है सर समझ में आ गया है ओके और क्वेश्चन करें या वन सेकंड गाय हाँ तो बच्चों मैं तुम्हें क्या कह रहा था कि तुम्हारा हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑर्बिटल्स में बेसिकली 2s में होगा या 2p में होगा दोनों में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज गोइंग टू बी सेम 3s 3p 3d इन तीनों की एनर्जी सेम अब यहां पे मैं तुम्हें एक टर्म बता देता हूं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स डी जेनरेट ऑर्बिटल्स ये क्या होते हैं दीस आर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी सिंपल डेफिनेशन इज दीस आर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी समझ आया नहीं आया बच्चों क्लियर हुई ये चीज़ें नहीं हुई मतलब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल डिजेनरेट होंगे थर्ड शेल के लिए आ, तीन नहीं एस के एक पी के तीन डी के पांच टोटल तुम्हारे जो नाइन ऑर्बिटल्स है थ्री थ्री में सी एस थ्री पी थ्री डी तीनों के मिला के जो नाइन ऑर्बिटल्स है वो सारे के सारे क्या हैं डिजेनरेट इसमें कितने डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं

Degenerate. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? They will have same energy. अगर हम system देखेंगे, तो उसमें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा फिर से अभी भी बता रहा हूं बाद में भी उसमें क्या हो है इसके तीन होंगे. तीन होता है इसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं ना में। इसके पांच ऑर्बिटल डिजेनरेट होंगे लेकिन इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल आर नॉट गोइंग टू बी डी P के जो तीन ऑर्बिटल है वो डी जेनरेट होंगे D के पांच ऑर्बिटल है वो डी जेनरेट होंगे F के सात ऑर्बिटल है वो डी जेनरेट होंगे लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि S का 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 ऑर्बिटल 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 और, और P या P या और D के आर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों और डीजेनरेट ऑर्बिटल नॉर्मली मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिंगल इलेक्ट्रॉन तो मैं तुम्हें बता चुका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वो ऑर्बिटल डी जेनरेट होते हैं जिनकी सेम एन और सेम एल वैल्यू है सेम एन और सेम एल वैल्यू वाले ऑर्बिटल्स आर डी फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम समझ आया नहीं आया बच्चों सेम एन एंड सेम एल मतलब समझ आ रहा है जैसे थ्री इसमें इसके जो पांच ऑर्बिटल्स है उन पांच ऑर्बिटल्स का सेम एन वैल्यू है तीन सेम एल वैल्यू है टू तो थ्री के जो ऑर्बिटल्स है पांच ऑर्बिटल नहीं होते डी के उनकी सेम एन वैल्यू है तीन सेम एल वैल्यू है टू

कि तुम्हारे जो डी जनरेट ऑर्बिटल है वो तुम्हारे क्या उनसे like so, आया नहीं आया द एनर्जी ऑन बोथ एंड एंड एल क्लियर हुआ है हुआ ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई जो मैंने भी बताई है ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ रहा हूं इज दिस थिंग क्लियर ऑन ऑर एक बार जी एडवांस में क्वेश्चन आ रखा है इस टाइप का क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई बच्चों डी जेनरेसी के ऊपर ऑनलाइन वाले बच्चों somebody रेस्पॉन्ड with a yes सर बच्चे कर ये, क्या ये, रहे हैं भाई ये सर ये ओके तो क्लियर हो गया हर एक बच्चे को गुड वन सर